हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनी फूड जॉन। तो फ्रेंड, आज मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मिल्क शेक। मैंने तीन टाइप के मिल्क शेक बनाए हैं। फर्स्ट ये वेनिला एंड चॉकलेट शेक, एंड थर्ड जो है बटर स्कॉच शेक है। तीनों शेक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और घर में हम बहुत ही ईजी तरीके से इसको हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग मेरी वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं ये शेक मैंने कैसे बनाए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। यहाँ मैं सबसे पहले मिल्क शेक बना रही हूँ वनीला। तो उसके लिए मैंने 1 ग्लास चिल्ड मिल्क लिया है और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर डाली है। आप टेस्ट अकॉर्डिंग शुगर डालिएगा। और एंड 1/4 स्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है। और मैंने ये आइसक्रीम डाली है, वेनिला आइसक्रीम ही डाली है। अब ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेंगे और ये तैयार हो गया है। अब हम इसको ग्लास में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ मैंने आइसक्रीम डाली है, वेनिला आइसक्रीम ही डाली है। और जो ये शेक था इसको मैंने ग्लास में कर लिया है। और गार्निश मैं करूँगी बादाम से। आप कर सकते हैं मनचाहे ड्राई फ्रूट से या किसी भी चीज़ से। तो मैंने यहाँ बादाम से इसको गार्निश करा है। तो अब मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच शेक। इसके लिए भी मैंने 1 ग्लास चिल्ड मिल्क लिया है और इसमें भी मैंने वेनिला आइसक्रीम डाली है। और ये बटर स्कॉच क्रंच डाला है 1 टेबल स्पून। और ये जो बटर स्कॉच क्रंच है, इसकी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसको बनाना बहुत ईजी है, घर में बना सकते हैं। और ये मैंने फूड कलर डाला है थोड़ा सा। और 1/4 स्पून एसेंस डाला है बटर स्कॉच। और इसमें मैंने शुगर डाली है 2 टेबल स्पून। आप टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए। और इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। और ये भी हमारा बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना ईजी है बनाना इसको, और ये लगता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये मार्केट का है या घर का है। घर का भी बिल्कुल मार्केट वाला ही लगता है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसमें मैंने वेनिला आइसक्रीम ही डाली है और जो शेक बनाया है अब इसको हम डाल देंगे। और ये मैंने क्रंच डाला है, बटर स्कॉच क्रंच ही डाला है। ये आप अपने अकॉर्डिंग डालें। जब इसका बीच में आता है, हम पीते हैं, तो इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसको भी डाल सकते हैं। और ये मैंने सर्व कर लिया है। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ बटर स्कॉच क्रंच से ही। तो हमारा ये बनके तैयार हो गया। अब हम थर्ड अपना शेक बना लेते हैं, चॉकलेट शेक। ये मैंने 1 ग्लास चिल्ड मिल्क लिया है और ये मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून कोको पाउडर। और ये 1/4 स्पून मैंने ली है कॉफ़ी। और शुगर डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। और इसमें भी मैंने ये वेनिला आइसक्रीम डाली है। और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारी बनके तैयार हो गई है। लेकिन मैं इसमें बीच में थोड़ी सी डाल रही हूँ, ये मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट होती ना उसको ग्रेट किया हुआ है, वो डाला है। बस मैं इसको बस हल्का सा मिक्स करूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर ना बहुत ही टेस्टी आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बस मैं बहुत हल्का सा ही करूँगी इसको, मुझे पूरा मैश नहीं करना है। और ये गिलास को मैं जो ये चॉकलेट सिरप है इससे डेकोरेट कर लूँगी, बस ऐसे ही लगाऊँगी। जब हम इसमें करेंगे खुद ही डिज़ाइन लगने लगेगा। और इस सिरप की रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इसको भी मैंने घर में बनाया है, इसको भी हम बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो इस चॉकलेट सिरप रेसिपी को भी ज़रूर देखिएगा आप, बहुत ईजी है ये रेसिपी। और अब मैं सर्व कर लूँगी इसको। यहाँ मैंने वेनिला आइसक्रीम ही ली है। अब चॉकलेट शेक को ग्लास में कर लेंगे। और यहाँ मैं गार्निश कर रही हूँ ग्रेट की हुई जो डेरी मिल्क ली थी मैंने, उससे मैंने इसको गार्निश किया है। और जो चॉकलेट सिरप है उसको भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, जिसे देखने में बहुत ही अच्छी लगे ये। ये तीनों शेक बनके तैयार हो गए हैं। फ्रेंड, आप लोग भी इस शेक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये मिल्क शेक रेसिपी कैसी लगी। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।